बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज 8 जुलाई है, तकरीबन 6 जुलाई को कुछ अपडेट्स आई थी रिलेटेड टू यूके, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद भी होती है, बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी होता है जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट सर्विंग करते हैं। कुछ लोग जो अपनी नॉलेज है वो गेन करते हैं देखने से, वीडियो देखने के बाद उनको नॉलेज मिलती है। कुछ लोग पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, तब वो नॉलेज गेन करते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ दो चीज़ें के बारे में। यूके वालों ने कुछ अपडेट्स दी हैं, 6 जुलाई को अपडेट्स उनकी आई थी, तो माजरत एक दिन की डिले के बाद मैं ये जो है वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर तो आपने 17 मार्च 2020 से पहले अगर आप यूके से बाहर हो, आउटसाइड पर हो और आप लीव लेकर गए थे, बट कोविड-19 की वजह से आप मैनेज नहीं कर पाए वापस जाने का, तो उसके लिए इन्होंने अब क्या आपको जो है रिस्पॉन्स किया है। तो यूके वालों ने एक स्कीम को अनाउंस किया है जिसके अंदर अगर तो आप मिड ऑफ मार्च 2020 से पहले लीव लेकर गए हो, ठीक हो गया, और उस लीव के बाद आप कोविड-19 की वजह से नहीं आ सके, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ेगा। उसके अंदर जितने भी बॉक्स वगैरह हैं उन सभी को आपने फिलअप करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, जो भी आपकी रीज़न है आपने रीज़न प्रेजेंट करनी है और उन्हें ऑनलाइन आपने सबमिटेड करवा देना है। अब इसके बाद क्या होगा कि यूके वाले जो हैं इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो हैं वो आपको एक ईमेल करेंगे। इसके अंदर मेन चीज़ आपकी ईमेल है, आपने राइट ईमेल लिखनी है और इसको एवरी डे आपने चेक करना है। उस ईमेल पर एक कन्फर्मेशन ईमेल आपको रिसीव्ड होगी और उसका टाइम लिमिट जो है वो तकरीबन 28 आवर्स है, यानी कि उसके 48 घंटों के अंदर अंदर आपने उसकी कन्फर्मेशन करनी है। इन केस अगर आप कन्फर्मेशन नहीं करते तो वो तकरीबन 4 माह तक आपका काम जो है वो डिले में चला जाएगा, और अगर आप उसकी कन्फर्मेशन कर देते हो तो विद इन द 10 डेज आपका जो है स्टेटस क्लियर हो जाएगा और आप इजीली जो है यूके में मूव हो सकते हो। तो ये एक अपडेट थी जो जो यूके से आउटसाइड में फिलहाल लोग रह रहे हैं या वो लीव पर गए थे तो वापस मैनेज नहीं कर पाए वापस आने का। इसी से साथ साथ जो प्राइवेट है, जो इंडिविजुअल है, वो अगर इसी पर्पस पे बाहर गए हैं तो उन्होंने वापस जो है यूके में आना है, तो सेम प्रोसेस की तरह उन्हें भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, बट यहाँ पर उन्हें 55 पाउंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड भी पे करने पड़ेंगे और सॉलिड रीज़न देनी पड़ेगी। अगर तो उनकी रीज़न सॉलिड होती है, इमिग्रेशन ऑफिसर समझते कि वाकई इनका ये प्रॉब्लम जेन्युइन है, तो आपको ये स्कीम के थ्रू जो है आप आ सकते हो। तो ये दो लेटेस्ट अपडेट्स थी, आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मैं यकीन करता हूँ ये वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।